दे पीछे मारा जग जानदा ओनी पर मेरे लिए मैदा मैं ओदे पीछे मारा जग जानदा ओनी पर मेरे लिए मैदा कदे इस फुल ते कदे उस फुल ते यार मेरा तितलियां वेगा यार मेरा तितलियां वेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं JTN न्यूज इंडिया और मैं हूँ राखी रॉय। जी हाँ, तितलियां, ये गाने को लेकर जितना सोशल मीडिया पे चर्चाएं हो रही है और ये गाना जितना वायरल हो रहा है, तो आइए देखते हैं पब्लिक रिएक्शन का इस सॉन्ग पे। आइए जानते हैं, पता नहीं जी कौन सा नशा करता है, इस गाने के बारे में इनकी क्या राय है। आपने ये गाना सुना है? जी हाँ सुना है। कैसा लगता है ये गाना आपको? ये गाना हमको बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि ये गाना नशेड़ियों के लिए है। हाँ, नशेड़ियों के लिए, मतलब क्या है? मतलब नशा करता है तो नशेड़ी लोग नशा करता है। अच्छा, और इस गाने में जो दूसरा वर्जन है, ये गाना आपने सुना है? इसी सॉन्ग का बहुत सारा वर्जन है। नहीं सुना है मैंने। नहीं सुना है मैंने, ओके, लेकिन इसके बहुत सारे वर्जन है। आइए चलते हैं दूसरे पब्लिक की तरफ, आइए जानते हैं इस गाने के बारे में लोगों का रिएक्शन क्या है। मैम आपका नाम? त्याशा पॉल। ओके पॉल मैम, आपने ये गाना सुना है? हाँ सुनी थी, वो बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है, ओके। इस गाने में आपको सबसे अच्छा क्या लगता है? इसकी सॉन्ग ट्यूनिंग सब कुछ ही अच्छी लगती है। ओके, सॉन्ग ट्यूनिंग और सब कुछ ही बहुत अच्छी होती है। मैम ये सॉन्ग बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है और इसका एक दूसरा पार्ट भी आया है, ठीक है, जिसे हार्डी संधू ने खुद गाया है। आपने ये सॉन्ग सुनी है? नहीं अभी तक तो नहीं सुनी हूँ, जरूर आज घर में जाके सुनूंगी। ओके, जरूर घर में सुनूंगी। मैम आपको क्या लगता है, ये वायरल होने के बाद ये इसका दूसरा पार्ट आ चुका है, आपको क्या लगता है इसका तीसरा पार्ट भी आएगा या नहीं? जरूर आएगा, जरूर आएगा। ये है लोगों का रिएक्शन, पता नहीं जी कौन सा नशा करता है, इसका एक और पार्ट आएगा। तो चलिए चलते हैं दूसरे ऑडियंस की तरफ, ये है मेरी दूसरी ऑडियंस। मैम आपका नाम? मेरा नाम सालू सिंह। सानू सिंह, ओके। मैम आपने सॉन्ग सुनी है हार्डी संधू की, पता नहीं जी कौन सा नशा करता है? हाँ हमने सुना है, बहुत अच्छा है सॉन्ग, बहुत। ओके, ये सॉन्ग बहुत अच्छा है, ये बहुत सारे ऐप्स पे लोगों ने इस पे अपना वीडियो भी बनाया है। मैम आपने ऐसी कोई वीडियो बनाई है? नहीं एक्चुअली मैंने वीडियो तो नहीं बनाई है, बट मेरे घर जब भी फंक्शन वगैरह होता है मैं उसी गाने पे हम लोग डांस करते हैं। ओके, मैम ने वीडियो नहीं बनाई है लेकिन मैम ने डांस जरूर किया है इस सॉन्ग पे, वेरी गुड। मैम आपने इसका एक दूसरा सीक्वेंस आया है जो कल रात में ही रिलीज हुआ है, हार्डी संधू ने गाया है, आपने सुना है? नहीं एक्चुअली मैं वो गाना तो नहीं सुनी हूँ, मैं तितली ही सुनी हूँ गाना। ओके, इन्होंने नहीं सुनी है, एक्चुअली वो सॉन्ग कल रात में ही रिलीज हुई है, इसका दूसरा सीक्वेंस। मैम ये सॉन्ग इतना वायरल हो रहा था कि इसका दूसरा सीक्वेंस आया है, आपको क्या लगता है तीसरा पार्ट आएगा या नहीं? ऑफ कोर्स आएगा, क्योंकि ये तितली बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा। अच्छा, बहुत अच्छा लगा, इतना ज़्यादा क्या खास लगा आपको जो आप इतना ज़्यादा पसंद करती हैं, आप इस गाने पे डांस करती हैं? इसका मेन सीक्वेंस जो पार्ट है, कौन सा नशा करता है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, ये चीज़ बहुत पब्लिक पसंद आ रहा है। अच्छा, बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है क्योंकि ये लाइन बहुत अच्छा लगता है, पता नहीं जी कौन सा नशा करता है। आइए चलते हैं हमारी अगली ऑडियंस की तरफ। सर आपका नाम? अंगद पांडे। सर आपने ये सॉन्ग सुना है, पता नहीं जी कौन सा नशा करता है? जी सुना है। अच्छा कैसा लगता है आपको ये सॉन्ग? बकवास लगता है। जो सॉन्ग 9 नवंबर को रिलीज हुई थी, एक दिन में ही 25 लाख से भी ज्यादा व्यूवर्स मिल गए थे, वो सॉन्ग पांडे सर को बकवास लगता है? मेरा ओपिनियन है, ये गाना मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि मैं हार्डी संधू का फैन हूँ। जब मैंने ये गाना सुना तो मुझे एक्चुअली हार्डी संधू को सुनना था, उनकी आवाज़ सुनना था। okay. और मैंने बस उसमें वो फीमेल वॉइस ही सुना मैंने, इसलिए मुझे ये गाना पसंद नहीं। मैं संधू जी का फैन हूँ, इसलिए मुझे उनका गाना सुनना था। वाओ, अमेजिंग। अभी तक में हमारी जितने भी ऑडियंस हम लोगों से बात कर चुकी है, एक भी ऑडियंस ऐसी नहीं थी जो ये बात बोली हो कि हार्डी संधू के फैन थे और उनकी आवाज़ नहीं सुनी है। सर आपको पता है हार्डी संधू ने इस गाने को एक बार फिर से रिकॉर्ड किया, इसका सीक्वल आया है? वो मैंने सुना था, वो अच्छा है। तो अब आपको ये सॉन्ग पसंद है या हार्डी संधू का वॉइस का पसंद है? मुझे वो वॉइस का पसंद है। अच्छा आपको पसंद है क्योंकि हार्डी संधू? हाँ मैं उनका फैन हूँ, इसीलिए मुझे वो गाना उनके वॉइस में पसंद है। अच्छा सर ये सॉन्ग इतना ज्यादा फेमस हुई है कि इसका दूसरा पार्ट भी आया है, आपको क्या लगता है? ये आपने नहीं सुना है, कल रात में ही रिलीज हुई है, हार्डी संधू आज सुनूंगा मैं फिर, आपने बताया मुझे तो पता नहीं था, आज सुनूंगा मैं। ओके, आपको क्या लगता है कि ये सॉन्ग भी उतना ही वायरल
अच्छा है वायरल हो जाए तो भगवान करे वायरल हो जाए, अच्छी अच्छी बात होगी तो वायरल हो जाएगा। आइए चलते हैं हमारे अगली ऑडियंस की तरफ। मैम आपका नाम? बबली कुमारी। बबली कुमारी मैम आपने सॉन्ग सुना है पता नहीं जी कौन सा नशा करता है? अभी जस्ट सुना है, नंबर वन ट्रेंडिंग पे है, कर रहा है यूट्यूब पे। अच्छा नंबर वन ट्रेंडिंग है यूट्यूब पे, ये सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, सबसे अच्छा क्या लगता है इस सॉन्ग के बारे में? काफी लिरिक्स इसे कैची है इसीलिए, और हार्डी संधू ने गाया है। अच्छा लिरिक्स बहुत ही पेचीदा है और हार्डी संधू ने नहीं गाया है मैम, अफसाना खान से पहला गाना जो था अफसाना खान ने गाया है। ओके पहला सॉन्ग यानी आपने दूसरा पार्ट सुना है जो हार्डी संधू ने गाया है। हाँ वेरी गुड, हमारी एक पहली ऑडियंस अभी तक की ऐसी मिली है जिन्होंने बताया है कि इसका पार्ट टू भी आया है। ये कल शाम को रिलीज हुई है, हार्डी संधू ने गाया है। मैम आपको फर्स्ट पार्ट ज्यादा अच्छा लगा या दूसरा पार्ट? पहला पार्ट ही ज्यादा अच्छा था, ओरिजिनल ही होते हैं, ओरिजिनल ही होता है। हार्डी संधू वाली क्यों नहीं पसंद आई? उसके भी लिरिक्स अच्छे लगे, पहला अफसाना खान का मतलब उसका सॉन्ग्स उसका सिंगिंग बहुत अच्छा है। अच्छा पहला वाला ज्यादा अच्छा था लेकिन मैम उसमें क्वेश्चन पूछा गया था पता नहीं जी कौन सा नशा करता है और इसमें आंसर दिया गया है, ठीक है, तो आपको वो ज्यादा अच्छा लगा? हाँ वो ज्यादा अच्छा था। ओके चलिए ठीक है, थैंक यू। अब चूंकि ये सॉन्ग सोशल मीडिया पे वायरल हो चुकी है, इतने लोगों का रिएक्शन जानने के बाद आइए जानते हैं बच्चों के क्या रिएक्शन है इस सॉन्ग पे। बच्चा तुम्हारा नाम? आदित्य राज। आदित्य राज तुमने सॉन्ग सुनी है पता नहीं जी कौन सा नशा करता है? यस यस ऑफ कोर्स यस लिसेंड। कैसा लगता है ये गाना? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, क्यों अच्छा लगता है? क्यों अच्छा लगता है? आपने सुना है ये सॉन्ग? यस। हाँ यस। तुम्हारा नाम क्या है बच्चा? आराध्या राज ने भी सुना है। तुमको अच्छा लगता है ये सॉन्ग? यस यस। क्यों अच्छा लगता है? बहुत अच्छा सॉन्ग है वो। बहुत अच्छा सॉन्ग है। कितने बार सुनती हो घर पे ये सॉन्ग? टू बार सुनती हूँ। अच्छा टू बार सुनती है ये, वेरी गुड। तुम कितने बार सुनती हो? थ्री बार। ओके थैंक यू बच्चा, थैंक यू। बच्चों का रिएक्शन जानने के बाद आइए जानते हैं इन लोगों का रिएक्शन क्या है इस सॉन्ग को लेके। मैम आपका नाम? लक्ष्मी। लक्ष्मी सर आपका नाम? आशीष। आशीष आप लोगों ने सॉन्ग सुनी है? कौन सी? पता नहीं जी कौन सा नशा करता है, ये आज तक किसी को नहीं पता। हाँ सुने तो, अभी बहुत ट्रेंड में चल रहा है। बहुत ट्रेंड में चल रहा है, अच्छा ठीक है। इसके लिरिक्स के बारे में मैम आप कुछ कहना चाहेंगे? इसका लिरिक्स कैसा लगा आपको? एक मस्ती है बहुत एकदम। सर आपको कैसा लगा? मुझे भी तो बहुत पसंद आया। बहुत पसंद आया। अच्छा आप लोगों ने इसका दूसरा पार्ट देखा जो कल रात में ही रिलीज हुई है, हार्डी संधू खुद गाए हैं इस सॉन्ग को? अब तक तो नहीं देखे है पर देखेंगे। अब अच्छा लगा पहला पार्ट तो दूसरा तो देखना ही पड़ेगा। अच्छा पहला पार्ट अच्छा लगा तो दूसरा पार्ट आपको क्या लगता है वायरल होगा या नहीं होगा? ऑफ कोर्स होगा ही। ऑफ कोर्स होगा ही, अच्छा ठीक है। मैम आपको सॉन्ग गाना पसंद है? हाँ नहीं उतना तो मैं गाती नहीं हूँ। अच्छा दो लाइन हमारी एक बार ऑडियंस के लिए गा दीजिए, एक बार दो लाइन। उतना याद तो नहीं है। पता नहीं जी कौन सा नशा करता है, यार मेरा छुप छुप के बेवफा करता है। वेरी गुड, थैंक यू मैम, थैंक यू। ये थी हम लोगों की पब्लिक रिएक्शन, बहुत लोगों को ये सॉन्ग पसंद आई है, बहुत लोगों को इसके लिरिक्स पेचीदा लगे हैं, बट ओवरऑल वी कैन कंक्लूड दैट ये सॉन्ग काफ़ी लोगों को पसंद आई है और कहीं ना कहीं इसलिए ही ये सॉन्ग सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। इसका दूसरा पार्ट भी कल हार्डी संधू ने यूट्यूब पे अपलोड किया है, तो सारे दर्शक इसे ज़रूर देखें और आगे की जानकारी के लिए आप देखते रहें JTN News India। धन्यवाद।